और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी मामले में ये बड़ी खबर है। डोमिनिका पहुंचा है भारतीय विमान। विमान से भारत सरकार ने अदालती दस्तावेजों को भेजा है। दस्तावेजों का इस्तेमाल कोर्ट में सुनवाई के दौरान होगा। 2 जून को मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण मामले पर सुनवाई होनी है और उसी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं। डोमिनिका की जेल में फिलहाल मेहुल चौकसी बंद है। एंटीगुआ और बारबुडा के पीएम ने मेहुल चौकसी की नागरिकता को एक अनसुलझा मामला बताया और कहा है कि वो अभी भी एक भारतीय नागरिक है। तो 2 जून को मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण मामले पर सुनवाई होनी है। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। फिलहाल दस्तावेज लेकर डोमिनिका पहुंचा है भारतीय विमान। भारत सरकार ने जो जरूरी अदालती दस्तावेज हैं इस विमान के जरिए वो डोमिनिका पहुंचाए हैं। इनका जो इस्तेमाल है वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान होगा। सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिद्धांत, क्या पूरी और खबर है हमारे पास? जी, मैं आपको बता दूं कि कल रात को यानी जब दिन था, डोमिनिका में काफी डेवलपमेंट हुई है। पहली जो डेवलपमेंट हुई है ये हुई है कि वहां पे एक प्लेन पहुंचा है, एक प्राइवेट जेट पहुंचा है। इसकी पुष्टि एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने करी है। कहा है कि ये जो प्लेन है इसके अंदर वो डॉक्यूमेंट है, वो दस्तावेज है जो 2 जून को जो केस होगा मेहुल चौकसी के खिलाफ उसके अंदर यूज होगी। इसके अलावा जो बड़ी एक चीज निकल के आ रही है वो ये है कि एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेहुल चौकसी की जो सिटीजनशिप है वो एक सेटल थिंग नहीं है। वो उसकी सिटीजनशिप है अभी कोर्ट्स के अंदर है, तो एक तरफ से वो भारत का नागरिक है। इसका मतलब या तात्पर्य आप समझ जाइए कि इसका मतलब ये है कि अगर वो भारतीय नेशनल है तो लीगल इश्यूज कम होंगे भारत के लिए और जल्द से जल्द मेहुल चौकसी भारत आ सकेगा। अभी तक जैसा एक तरफ से हम सिचुएशन देख रहे हैं, हमने लेटेस्ट पिक्चर्स भी देखी है मेहुल चौकसी की जो कल रिलीज हुई है। सोर्सेज ने वहाँ पे लीक करी हैं ये वीडियोस। हमने बल्कि उनके लॉयर से ही बातचीत करने की कोशिश करी जो कि लोकल लॉयर्स हैं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे भारत की सरकार एक तरफ से अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि मेहुल चौकसी को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। सिद्धांत, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जा रहा था कि मुश्किलें हो सकती हैं प्रत्यर्पण को लेकर, हालांकि 2 जून को इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन वहां के पीएम का ये कहना कि अभी भी वो भारतीय नागरिक है, मतलब इसके मायने क्या निकाले जाएं, कैसे समझा जाए इसे? देखिए, अगर हम एक में कंपैरेटिव एनालिसिस देना चाहूं कि अगर मेहुल चौकसी एंटीगा में रहता अभी भी तो कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज इतने होते कि हमें 10 साल लग जाते मेहुल चौकसी को भारत लाते हुए, क्योंकि 2 केसेज वहाँ चल रहे थे। एक तो उसकी नेशनैलिटी को लेके, क्योंकि सरकार चाहती थी उसकी नेशनैलिटी हटाई जाए जो इन्वेस्टमेंट फॉर नेशनैलिटी स्कीम के अंदर से मिली थी। उसके अलावा भारत को एक्सटेंशन का जो केस चल रहा था, क्योंकि उनका भी जो सिस्टम है लीगल सिस्टम वो ब्रिटिश सिस्टम है जो हमारे यहाँ भी है, ब्रिटिश लीगल सिस्टम है। तो आप समझ सकते हैं कि अपील काउंटर अपील करते करते कितना वक्त लग सकता है। उनके प्रधानमंत्री ने कहा था 10 साल लग सकते हैं। अब जो केस है वो केस है उसकी इलीगल एंट्री का डोमिनिका में, और उसकी जो नेशनैलिटी है अगर आप देखें, 2 चीजें जो निकल के आई है, एक तो एंटीगा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो भारतीय सिटीजन है। उसके अलावा एंटीगा से डोमिनिका से सिर्फ अभी तक एक ही आधिकारिक रिलीज आई है जो रिलीज कहती है कि वो भारतीय नेशनल है, यानी मुश्किलें हमारे लिए मतलब भारत के लिए कम हो सकती हैं और जल्द से जल्द शायद हमें एक तरह से पॉजिटिव न्यूज मिले। ठीक है, शुक्रिया आपका सिद्धांत जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।